स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सरकार ने पूर्णबंदी लगाई, साथ ही सरकार ने गरीबों की सहायता करने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट और सरकार ने इन तमाम दावों की पोल खोल रही है यूबीएस और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आप भी समझ जाएंगे सरकार के दावों का सच। स्वास्थ्य मुसीबत ने जब दस्तक दी तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय पूर्णबंदी के। अब सरकार ने तो पूर्णबंदी लगा दी, लेकिन मुश्किल उन गरीब के लिए आई जो रोज का कमाता और रोज का खाता था। जब मुसीबत बढ़ी तो सरकार ने गरीबों की सहायता के तमाम दावे किए, लेकिन सरकार के खोखले दावों का सच यूबीएस यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और पीडब्ल्यूसी यानी प्राइवेटाइज हाउस कूपर्स की रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णबंदी के दौरान गरीब और गरीब हुआ है और धन कुबेरों के भंडार भर गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेयरों की कीमत टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़त से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 10 लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर गई। करीब 2000 अरबपतियों पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के शुरुआती महीनों में विश्व भर के अमीर लोगों की संपत्ति में एक तिमाही की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये जुलाई में 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। यूबीएस और पीडब्ल्यूसी के डेटाबेस के मुताबिक पता चलता है कि पिछले 25 साल में धन कुबेरों की संपत्ति में 5 से 10 गुना तक की बढ़त हुई है। इस साल अप्रैल महीने में ही टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और औद्योगिक सेक्टरों के धन कुबेरों की संपत्ति में 36% से 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से जुलाई 2020 तक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अरबपतियों की संपत्ति 42% की बढ़त के साथ 1,80,000 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की अमीर शख्सियतों की संपत्ति 50% बढ़कर 658 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो यूबीएस और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट से साफ है कि सरकार के दावे खोखले हैं और इन्हीं दावों के बीच गरीब हुआ और गरीब, अमीर हुआ और अमीर। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।